नमस्कार माय स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग विद सॉलिड स्टेट्स पार्ट 10. ओके बेटा, नाउ वी वर डिस्कसिंग पैकिंग एफिशिएंसी एंड वी हैव लेफ्ट विद पैकिंग एफिशिएंसी इन ए सिंपल क्यूब. पैकिंग एफिशिएंसी इन ए सिंपल क्यूब. जो सिंपल क्यूब है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. सिंपल क्यूब में ये होता है बेटा, ये आपकी क्यूब है, दिस इज ए क्यूब जिसकी सभी ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, और उसके ये स्फीयर्स हैं, और जो स्फीयर्स हैं जो लैटिस पॉइंट्स हैं दे आर ओनली एट द कॉर्नर्स. इसको कहते हैं सिंपल क्यूब. जब आपकी सिंपल क्यूब में, ठीक है, तो हम कहते हैं ये लेटर ए इज द साइड लेंथ है, इनकी जो साइड लेंथ है वो ए है. तो आपको मालूम है ये जो है ना, ये मैंने इधर दूर दिखाया, बेसिकली एग्जैक्टली ये इसके साथ टच कर रहा है, ये सभी के सभी ऊपर से चार टच कर रहे हैं और सभी उसको नीचे से टच कर रहे हैं. ये स्फीयर सब के सब एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है. प्रैक्टिकली हम अपनी कन्वीनियंट के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं. ओके बेटा, तो लेट आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो आर, ये सबसे आसान है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू ए क्यूब बेटा, ठीक है, ए क्यूब. तो आपको मालूम है ए इज इक्वल टू, यू नो ए किसके बराबर है, ये बेटा ए, दिस इज ए है, ये भी ए है, ये सारी लेंथ ए है. तो आपको मालूम है इसको जब टच कर रहे हो तो ये बेसिकली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मेरी बात समझिए, ऐसे है, ये ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है. तो ये अगर लेंथ ए है तो ए किसके बराबर होगा, ए विल बी इक्वल टू टू आर. ये बात समझ आई नहीं मेरी बात, ये लेंथ जो है ये इसको टच कर रहा है, जब इसको टच कर रहा है तो ये एक आर ये हो जाएगा आधा, और आधा ये हो जाएगा, ये टच कर रहे हैं आधा इधर है आधा इधर है, तो आर ए जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू टू आर, ठीक है. तो देयरफॉर ए क्यूब किसके बराबर होगा, दैट विल बी टू आर क्यूब, तो दैट विल बी इक्वल टू एट आर क्यूब. तो ए क्यूब इज इक्वल टू एट आर क्यूब, यू कैन से ए क्यूब इज इक्वल टू एट आर क्यूब. आपको बेटा बात समझ आ गई मेरी ना, ये लेंथ है बेटा, तो ये लेंथ जे होती है और स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये एक ये जब टच कर रहे हैं तो ये दोनों को मिला, इसको और इसको मिला के जे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया. नाउ वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. मेरी बात समझेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ, तो इन सिंपल क्यूब, जो आपका सिंपल क्यूब होता है उसमें है टोटल नंबर ऑफ स्फीयर कितने होते हैं, शाबाश, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर 1 होता है. आपको मालूम है ये कितने हैं, 8, 4 और 4, और ये इसकी कंट्रीब्यूशन बताई थी कितनी है इसकी, 1/8, तो वो कितना फिर क्या हो गया, टोटल कितने, 8, ए की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/8, तो 8/8 कितना हो गया, 1. इस ये 8 जो स्फीयर हैं इनका 8th पार्ट सबका इसके हिस्से का आ रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर इस यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में कितने हो गए, 1, ठीक है. तो फिर तो सिंपल निकल गया बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, अकोपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, अकोपाइड वॉल्यूम
डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। अकोबाइड वॉल्यूम कितना भाई, 4/3 πr³। तो 4/3 πr³, तो टोटल वॉल्यूम कितना है ए क्यूब, लेकिन ए क्यूब किसके बराबर है 8r³, तो डिवाइड बाई 8r³, ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 100, दिस कम्स आउट टू बी 52.36। ये परसेंट जो है दिस इज द ऑक्यूपाइड, हाँ सिंपल क्यूब में ये वाली जो स्पेस है इतनी ऑक्यूपाइड है। मेरी बात समझा गई बेटा, हाँ क्लियर, ओके। जो दूसरा पार्ट है इसके साथ ही हम मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ ये बेटा कई बार 3 नंबर का आता है जो आप बता रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। कोई आपके पास यूनिट सेल है, ठीक है, उस यूनिट सेल की डेंसिटी कितनी है, ठीक है। इसको हम ये भी बोलते हैं बेटे, ये हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग, ध्यान से समझना ये बहुत आसान है, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। यूनिट सेल की जो डायमेंशंस हैं उनसे हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। ओके बेटा, देखो बेटा, अगर इफ बाय नोइंग एज लेंथ, यानी यूनिट सेल की अगर आपको एज लेंथ मालूम है, जिसको हम साइड लेंथ कहते हैं, तो वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम। जैसे ए मालूम है तो वॉल्यूम कितना होगा, वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम। मेरी बात समझ गए ना, कैसे बोला, क्योंकि अगर आपका एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम कितना होगा ए क्यू। मेरी बात समझ गए, अगर आपको एज लेंथ मालूम हो जाए तो हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, क्योंकि ए अगर एज लेंथ है तो वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का ए क्यू। समझा गई मेरी बात। दूसरा, वाई इफ डेंसिटी, अगर आपको डेंसिटी जो है ऑफ डेंसिटी ऑफ ए मेटल इज नोन, है कोई मेटल है उसकी डेंसिटी आपको मालूम है बेटा, इज नोन, ठीक है, मतलब है अगर डेंसिटी मालूम हो, वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ एटम्स, मास ऑफ एटम्स हैं इन द यूनिट सेल। देखो बेटा, ये कुछ छोटी सी बातें लिखी हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमें डेंसिटी मालूम हो किसी भी यूनिट सेल की या मेटल की, तो उसमें जो एटम हैं उनका मास हम निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन है एक दूसरे के साथ रिलेटेड। देखो कैसे हैं, अब सपोज कर लो, लेट ए इज द एज लेंथ, एज लेंथ कितनी है ए, ठीक है, D is the density, जो उसकी डेंसिटी है वो क्या है D is the density, उसकी जो डेंसिटी है वो D है बेटे। A is the edge length, D is the density, ठीक है, of a solid substance, कोई सॉलिड है हमारे पास, उसकी डेंसिटी डी है, उसके जो यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ ए है, तो अब एंड M इज द मोलर मास, आपको मालूम है ना मोलर मास का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर मास, एक मोल का मास, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया ए यूनिट लेंथ है, एज लेंथ है, डी डेंसिटी है और एम इज द मोलर मास। तो अब हमारे पास देखो, अब जो मैं लिखने लगा हूं, यू कैन अंडरस्टैंड इट, वॉल्यूम कितना होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल बी इक्वल टू ए क्यू,
क्योंकि अगर एज लेंथ मान लो तो वॉल्यूम निकल जाता है। मास ऑफ यूनिट सेल, मास ओ वो यूनिट सेल है जो उसका मास कितना होगा, एक यूनिट सेल का मास वो डिपेंड करेगा उस नंबर ऑफ एटम्स, उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने हैं मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम। देखो बेटा ध्यान से समझना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कोई भी यूनिट है, हैं जैसे सिंपल क्यूब यूनिट है, उसमें एटम कितने होंगे, एक, मास उसका जितना उसका मास होगा। अगर आपका एफसीसी यूनिट है, हैं एफसीसी है, तो उसमें एटम कितने होंगे, चार, और मास उन चार का, एक एटम का मास निकला होगा, चार से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। किसी भी यूनिट सेल का मास निकालना हो तो हमें देखना पड़ता है कि उस यूनिट सेल में एटम हैं कितने और उस एक एटम का मास कितना है, ठीक है। अगर उसमें चार आयरन के एटम हैं तो चार फोर आ गया तो आयरन एटम का मास लगा लेंगे, तो वो मास आ जाएगा किसका, यूनिट सेल का। मेरे पास समझिए, अगर आपके पास क्रिस्टल है वो आयरन का क्रिस्टल है और वो उसका यूनिट सेल जो है उसमें वो एफसीसी है, तो उसमें फोर होंगे, फोर एटम यूनिट में नंबर एटम कितने होंगे, फोर, तो एक एटम आयरन का कितना मास होगा, तो वो मास निकल जाएगा किसका, यूनिट सेल का। अब देखो इसको मैं जनरलाइज लिख रहा हूं, ये नंबर ऑफ एटम को मैं जेड से लिख रहा हूं और मास को मैं एम से लिख रहा हूं, दिस इज जेड इंटू एम। जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, जनरलाइज कर रहा हूं ना बेटा, और मास क्या है, मास ऑफ द एटम, ठीक है। थ्योरेटिकली आपको मालूम है जी, इस बात का आपको आगे मालूम है, थ्योरेटिकली अगर हमें देखना हो, थ्योरेटिकली जो मास ऑफ एन एटम होता है, मास ऑफ ए एन एटम, किसी भी एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, वो होता है मोलर मास, कितना है उसका मोलर मास, उस एटम का मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, सुना कभी नाम नहीं आगे, ये एवोगैड्रो नंबर जो है ये नंबर मोलर नंबर होता है, एक मोल 6.022 × 10^23। देखो मैं इसको ब्रैकेट में समझा रहा हूं, आपको मालूम है 6.022 × 10^23 एटम्स किसी भी सब्सटेंस के ले लो, उसका जो मास होता है वो मोलर मास होता है, यू नो दिस, 11th में पढ़ाया आपको, ये बात बताई है, क्या लिखा है, 6.03 एटम इज इक्वल टू मोलर, ये अगर मैं इधर एटम इधर रहने दूं, एटम इधर रहने दूं ये वाला, तो ये किसके बराबर होगा, मोलर मास एम, ये मोलर मास डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 6.022 × 10^23, तो ये वही हो, ये सेम लिखा मैंने, मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय इट्स एवोगैड्रो नंबर, दैट इज मोल नंबर, जिसको आप बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। मेरी बात समझ गए, ये आपका नंबर आ गया थ्योरेटिकली, मास ऑफ एन एटम ये हमारे पास, यानी कि एम इज इक्वल टू कैपिटल एम, जिसको हम कह रहे हैं मोलर मास, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर को हम ऐसे सिंबल से ऐसे लिखते हैं एन ए, एन ए रिप्रेजेंट टू द एवोगैड्रो नंबर। मेरी बात समझ गए, नेक्स्ट बेटा देखो, अब देखिए ध्यान से, ये जो जहां से मैं दोबारा आपको आगे बता रहा हूं, हमने ये निकाल लिया, ये तीन वैल्यू निकाल ली है, हमने एक ये निकाल लिया है कि मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर इज क्या है वो 6.022 × 10^23, ओके बात समझा गई, और ये भी हमने निकाल दिया, क्या निकाला, मास ऑफ ए यूनिट, मास ऑफ ए यूनिट सेल
एक यूनिट सेल का कितना मास होता है, उसमें कितने एटम हैं और एक एटम का कितना मास है, ठीक है। दैट इज दिस। अब आपको मालूम है मास ऑफ एन एटम, तो अब हमें ये निकल गया। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल है, डेंसिटी यूनिट सेल लिखना, पूरा लिखो। किसी भी यूनिट सेल की, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी हो, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम से ये डेंसिटी का रिलेशन है बेटे। डेंसिटी इज एम बाई बी। तो जहां मैं यूनिट लिख रहा हूं तो लिखूंगा मास ऑफ यूनिट सेल, उस यूनिट सेल का मास कितना है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। ये आपका, आपको मालूम है मास ऑफ यूनिट सेल, ये मैंने अभी निकाला ऊपर, दिस इज इक्वल टू जेड इंटू एम। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने मालूम है कितना होता है, यू नो द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज ए क्यूब। अरे वॉल्यूम ऐसे निकलता ना, अगर उसकी लेंथ ए है तो उसकी वॉल्यूम कितना हो जाता है, ए क्यूब निकल गया। ये डेंसिटी आपके पास आ गया, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब। इस एम की वैल्यू लगाने लगा हूं मैं, ये एम किसके बराबर है, ये इसके पास है। व्हाट इज दिस एम? दिस इज मास ऑफ ए वन एटम। वन एटम का मास कितना होता है, मोलर मास जो होता है उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो तो वो एक गोल्ड का मास, एक एटम है गोल्ड का, उसका मास निकालना है, गोल्ड का एटम, गोल्ड का मॉलिक्यूल मास, उसको डिवाइड करो 6.022 × 10²³ से, तो वो एक एटम का मास निकलता है। कोई भी किसी भी एक एटम का मास निकालने का ये तरीका है। किसी भी हाइड्रोजन एटम का मास निकाल, एक एटम एच का, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मास कितना, उसको डिवाइड करो 6.022 × 10। तो ये, तो मैं एम की वैल्यू लिख लूंगा, दिस इज जेड, ये एम की जगह क्या आ गया, कैपिटल एम ये वाला, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ए क्यूब इंटू एन ए। तो ये हमारे पास फाइनली रिलेशन आ गई, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड, जेड इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, एम इज द मोलर मास ऑफ दैट एटम विच इज प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। यूनिट सेल अगर आयरन एटम का मास है तो आयरन एटम का मोलर मास है, तो ए जो यूनिट सेल की लेंथ होगी उसका लेंथ कितनी है, और एन ए इज द एवोगाड्रो नंबर। तो वाई नोइंग दिस बेटा, अगर आपको डेंसिटी मालूम है सब्सटेंस मालूम है, मोलर मास मालूम है, तो उसके आप यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। यानी कि इनमें से कोई, ये तो फिक्स है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं, दिस इज ऑलवेज फिक्स है। ये कितना है, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, ये आपको दिया होगा, हमारे पास एक यूनिट लेंथ है जिसकी ए जे है और उसका एफ सी सी है, कह देते हैं एफ सी सी है कि डेंस कैलकुलेट, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन एफ सी सी यूनिट सेल, यूनिट सेल। देखो आयरन पता चल गया, उसका मोलर मास पता चल गया, पता चल गया। तो एफ सी सी में एटम कितने होते हैं, 4 आपको मालूम है, ठीक है। हैविंग कोई वैल्यू दी होगी 0.01 आंगस्ट्रांग उसकी एज लेंथ दी होगी, तो ये आपको पता चल गया, ये ई क्यूब हो गया, नंबर ऑफ मालूम है, एवोगाड्रो नंबर फिक्स है, यू कैन कैलकुलेट द डेंसिटी। तो दिस इज, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है बेटा, इसका कभी इसका न्यूमेरिकल भी करवा देंगे आपको, हाँ। तो ये मेरा बात समझ आ गई, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी, ओके।